श्रेणी अध्यापक भर्ती में महिला आरक्षण बढ़ाकर 50% करने पर महिलाओं ने आभार और अभिनंदन कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। लेकिन एक तरफ ये आयोजन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ युवक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और जयपुर में शहीद स्मारक पर डेरा भी डाल लिया है। और इसके साथ साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि #  पुरुषों का हक मत मारो। और इसमें ना सिर्फ युवक बल्कि कई लड़कियां भी अब इस आरक्षण के विरोध में खड़ी हुई हैं। एक यूजर ने लिखा कि मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लड़कियों को किसी भाई के हक की नौकरी नहीं चाहिए। अभी भी समय है, सभी लड़के अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें, अपनी एकता का परिचय दें। इसके साथ ही एथलीट पूजा बिश्नोई ने भी लड़कों के समर्थन में एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज के समय में लड़के और लड़कियों को बराबर का हक मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ में एक और यूजर ने ये सवाल किया है कि महिला सशक्तिकरण का जिम्मा प्रदेश के बेरोजगार पर ही क्यों है। यूजर ने यह भी लिखा है कि मुख्यमंत्री पुरुष हैं, राज्यपाल भी पुरुष हैं, शिक्षा मंत्री पुरुष हैं, विधानसभा अध्यक्ष पुरुष हैं, बीजेपी अध्यक्ष पुरुष हैं, आरपीएससी आरएसएसबी अध्यक्ष भी पुरुष हैं और मुख्य सचिव भी पुरुष हैं। और यही नहीं, ये सवाल किए जा रहे हैं कि बीजेपी अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को ज़्यादा शामिल क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल के साथ साथ में प्रदेश के युवक अब सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव से पहले महिलाओं को 50% आरक्षण का संकल्प लिया था, जिन्हें पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ऐसी बात कही है और संशोधन के बाद ये कानूनी रूप ले लेगा। इस संबंध में भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए वे प्रतिबद्ध हैं, इससे महिलाओं को बराबर के अवसर मिलेंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। राजस्थान का पूर्ण बजट 10 जुलाई को जारी किया जाएगा, जिसमें राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर के पदों के लिए नई भर्ती की घोषणा की जा सकती है। अभी राजस्थान में 60,000 थर्ड ग्रेड टीचर के पद खाली हैं। अगर राजस्थान सरकार 60,000 पदों पर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की घोषणा करती है तो उसके अनुसार 50% यानी कि 30,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 10 जुलाई को जो बजट पेश होने वाला है उसके बाद में इसको लेकर घोषणा की जा सकती है। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।